फ्रेंड्स, जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी वो है पीवीसी पाइप शीट, जिसे मैंने जो पाइप होती है उसे गर्म करके सीधा किया है। उसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे 5 mm रेडियस का 4 सर्कल और उसे हम कट कर लेंगे, 4 पीसेस कट करने हैं उसके। फोर पीसेस के बीच में सेंटर में एक होल बनाएंगे और जो साइकिल की जो स्पोक्स होती है, ताड़ी बोलते हैं उसे, तो वैसे हमें 2 ले लेनी है और दोनों तरफ जो व्हील्स हैं कार के वो सेट कर देने हैं फिक्स। और एक गियर लेना है जो व्हील से छोटा हो और उसे फिट कर देना है, फेविक्विक की मदद से उसे फिट कर देना है एकदम टाइट। और उसके बाद हमें जो पेन की रिफिल होती है उसे उसके ऊपर लगा देना है, जिससे वो फ्रीली मूव कर सके। उसके बाद हमें एक छोटी ड्रोन मोटर लेनी है, ड्रोन मोटर नहीं हो तो कुछ दूसरी मोटर भी ले सकते हैं। उसके आगे एक छोटा सा गियर लगाना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर थ्रेड से करके उसे फेविक्विक से अच्छे से बांध देना है। व्हील्स के बीच में जो पाइप है उसे और मोटर को अच्छी तरीके से बांधना है। हमारे कार के जो फ्रंट और बैक व्हील है वो तैयार हो चुके हैं। उन दोनों के बीच में एक पीवीसी पाइप शीट का एक सपोर्ट लगाना होगा, जिसे अच्छी तरीके से काट के फिट हो सके उसी तरीके से लगाना है। इसे हमें फेविक्विक, फेविकॉल या आपके पास जो भी ग्लू हो उससे आप चिपका सकते हैं, तो उसे हमने चिपका लिया है। अब हमें एक बैंड स्विच चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए होगी 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। उसे हमें एक टर्मिनल उसको स्विच के साथ कनेक्ट करना है और दूसरे जो बाकी रहते हैं वो मोटर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी जैसे ही हम स्विच चालू करेंगे वो रन करेगी, तो आप देखते रहिए आगे वीडियो में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and